जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 का दोस्तों नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया है और यहां पे जो कि आप देख पा रहे हैं नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है। 857 पदों पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो कि रहा है। और दोस्तों हम कंप्लीट बात करेंगे महिला एंड पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी हैं और इसके आवेदन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका आवेदन कब से स्टार्ट होगा सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की सभी अपडेट विद प्रूफ के साथ नोटिफिकेशन के साथ पाने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड और यहाँ पे आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है तो आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ के रिगार्डिंग। जब भी भर्ती होती हैं तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन SSC के द्वारा रिलीज किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायलेंस जो ऑपरेटर हैं यानी हम बात कर रहे थे AWO की, और जो आपका TPO है यानी आपका टेले प्रिंटर ऑपरेटर TPO एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 8 जुलाई से और आपकी 29 जुलाई लास्ट डेट रहेगी और यहां पे चलान वगैरह की डेट दी गई हैं बट आप चेक कर सकती हैं। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस वर्कर्स। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप यहाँ पे उनको पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी सैलरी की, तो सैलरी मिलती है आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहती है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं दोस्तों तो आपको मैंने बताया था कि आपकी वैकेंसी ज़बरदस्त आने वाली हैं और ओपन यहां पे जो है और एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल यहां पे 459 वैकेंसी है और 57 करके ये टोटल जो वैकेंसी बनती हैं ये आपके केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं वो है 573 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है 256 284 पद यहाँ पे आपके यहाँ पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे जो है एज लिमिट की और यहाँ पे नेशनलिटी आप जो है इंडिया के कैंडिडेट ही होने चाहिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एज की, तो आपका एज 18 से 27 होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 ये आपका यहाँ पे ऑन आपका जो है कंडक्ट होगा यानी काउंटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको एज रिलैक्सन भी मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों जो आपके SC ST या OBC कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सन OBC को 3 का 5 का वो आपका सेम डी टू ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, ये देखिएगा काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है बट हम ये देख सकते हैं आप 5 दिन का एज रिलैक्सन है और कुछ आपके डिपार्टमेंटल में भी आपको एज रिलैक्सन दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और ये देखिएगा दोस्तों जो भी यहाँ पे SSL आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है इसका मतलब आपकी यहाँ पे नीड है, ज़रूरी है, आप 12वीं पास ज़रूर होने चाहिए चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो। साथ में आपके पास मैथ्स एंड फिज़िक्स आपके पास होनी चाहिए तभी आप दिल्ली पुलिस आपका AWO और TPO में आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास NTC है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो है आपका यहाँ पे टेस्ट दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग नेचर के लिए होता है ये टेस्ट में, ये आपको दिया गया है 1000 की डिस्क्रिप्शन और 15 मिनट टेस्ट कंप्यूटर बेस होके। और उसके बाद यहाँ पे आपका NCC सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है SC सर्टिफिकेट वाले को 5% का, B को 3% का और A को 2% का बेनिफिट्स दिए जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे जिसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो भी पास में लगता है तो वो आप चूज कर लीजिएगा ताकि आप जो है एग्ज़ाम वहाँ पे दे पाएँ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की। तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, द सिलेक्शन प्रोसेस आल बी कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपल्सरी टेस्ट गिविन। कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। फिजिकल जो होगा वो आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका दिल्ली पुलिस ये भी क्वालिफाइंग होगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जनरल अवेयरनेस आपका 200 रहेगा 20 नंबर का। और यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है इसमें यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी जनरल साइंस है उसमें 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपका यहाँ पे दोस्तों 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है जो आपका यहाँ पे है उसमें 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो इस प्रकार से मिलाकर दोस्तों टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है क्या, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं नोटिस के अंदर आप चेक कर सकते हैं पूरी जानकारियों को। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेबस डिटेल्स में भी दिया गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपका डिटेल सिलेबस है जिसमें आपको यहाँ पे यही टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल जो आपका इफिशेंसी टेस्ट होगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जो 30 साल से ऊपर हैं उन कैंडिडेट को 7 मिनट, सॉरी जो आपके 30 से आपके नीचे कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को 7 मिनट, 1600 मीटर लॉन्ग जंप जो है 12.5 फीट और यहाँ पे 3.5 फीट आपका हाई जंप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 30 से 40 जो आपका अबो है उसमें 8 मिनट मिलेंगी और यहाँ पे 40 अबो हैं उनको 9 मिनट दी जाएगी। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे चलते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 170 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ आपके जो एरियाज आते हैं उन एरियो को जो है यहाँ पे काउंट किया गया है। चेस्ट आपका रहेगा 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, अर्थात आपको 4 सेंटीमीटर फुलाना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाना होगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपको 6x6 वगैरह जो है यहाँ पे दी गई है। तो PE और MT ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studymaterial.a2z.in पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।